लड़की स्कूल से घर वापस जाते हुए मुस्कुरा उठी। आज टीचर ने उसे प्यार से नन्ही उस्तानी कहा, कुछ गलत भी नहीं कहा। जब से वो स्कूल जाने लगी थी, उसका दिल चाहता था कि सभी लड़कियां स्कूल जाएं, ना सिर्फ इसके गांव की बल्कि सारे मुल्क की। इसीलिए वो टीचर से तरह तरह के सवाल पूछकर अपनी मालूमात में इजाफा करती रहती थी। इन्हीं सोचों में गुम वो अचानक किसी से टकरा गई। देखा तो पता चला कि उसकी सहेलियों का एक टोला कुएं से पानी लेकर जा रहा था। इसको देखते ही सहेलियां खुशी से खेल उठी और इसे खेलने के लिए बेताब हो गई। एक दरख्त की ठंडी छांव में वो सब जमा हो गई और लड़की ने शुरू की खेल कहानी। सबसे पहले लड़की ने जमीन पर एक बड़ा सा त्रिकोण बनाया और फिर उसको तीन हिस्सों में बांटकर कुछ लिखने लगी। सब सहेलियों ने पूछा कि वो क्या लिख रही है। वो बोली, सबसे पहले हकूमत, फिर घर वाले और फिर हम। सहेलियों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लड़की ने शबाना को हकूमत बना दिया, रजिया और अमीना को घर वाले और बाकी सबको कहा कि वो हैं हम, यानी लड़कियां। लड़की ने हकूमत से कहा, आपको पता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल जाए। ये एक कानूनी हक है। मगर फिर भी हर तीन में से एक बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, खसूसन लड़कियां, जिनके लिए अक्सर जगहों पर स्कूल ही नहीं है। दुनिया के 196 ममालिक में से पाकिस्तान 160 मुल्कों से भी कम तालीम पर खर्च करता है। आखिर क्यों और कब तक? फिर लड़की घर वालों से कहती है, आप भी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, मजबूरी और समाजी रवायतों की वजह से पीछे हट जाते हैं। आखिर में लड़की बाकी लड़कियों से कहती है, और तुम सब इल्म की रोशनी के बगैर अपनी जिंदगी गुजार देती हो। इस बात पर मरियम बोल पड़ी, मगर पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, वो भी लड़कियों के लिए। लड़की मुस्कुराई और बोली, पढ़ोगी लिखोगी तो आएगी अकल, सोचने और समझने की बनोगी अहल, जिंदगी के फैसले कर पाओगी एतमाद से, मुल्क की तरक्की में शामिल होगी शाद से, इल्म से ही बनोगी अच्छी बहन बेटी बीवी और माँ, अपने रोशन मुस्तकबिल की बन जाओ वजह। लड़की हो तो क्या हुआ, हिम्मत से आगे बढ़ना है, इन तुम्हारा हक है, ये दुनिया को समझाना है। सब सहेलियों को लड़की की बात कुछ समझ में आई, मगर मरियम अभी भी सोच में थी। एकदम बोल पड़ी, मगर जब हकूमत और घर वाले साथ ना दें तो हम क्या करें? लड़की बोली, हालात को बदलने के लिए अब तुम्हें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, इस तिकोन को उल्टा तसव्वुर करके अपना हक मांगना पड़ेगा। सहेलियां अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। लड़की ने थोड़ा सोचा और बोली, अपना हक हमें खुद ही मनवाना है, मिलजुल के मसले को सुलझाना है, वालदैन असातिज़ा और गाँव को बताना है, इल्म की अहमियत को सब में जगाना है, सबको एक होकर अपनी ताकत को बढ़ाना है, हकूमत तक फिर इस जरूरत को पहुंचाना है, अपना हक हमें खुद ही मनवाना है, अपना हक हमें खुद ही मनवाना है।